जी, राम राम जी। और कैसे हैं? उम्मीद है सभी बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे। जो भी मेरे चैनल पर न्यू है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को भी लाइक कर दे। तो सुबह के बज चुके हैं 5:30। तो मैंने जो मॉर्निंग ड्रिंक है गुनगुना पानी पी लिया है मैंने, उसमें शहद और एक नींबू डालकर पिया है। और उसके बाद फिर मैं लगा रही हूँ झाड़ू। तो वही मैंने आप सब तक एक बात शेयर करनी थी। तो मेरे चैनल को ना 1 साल हो चुके हैं और भाई इतने मेहनत करे हैं और दिन रात मान ले फ़ोन न उठाए फिर जावा है, ये शूट करना वो करना, लेकिन उस इतनी मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती तो ना बहुत ही अंदर तक बहुत ही दुख हुआ है। क्योंकि आप भी सब देख रहे होगे भाई, 1 साल छोटी मोटा वो नहीं होता भाई, 1 साल बहुत बड़ा मान ले इतने दिन हुआ, 365 दिन हुआ 1 साल में, और लगातार मेहनत करने के बाद भी कुछ भी हासिल नहीं होता, नहीं तो डीमोटिवेट हो जाए और वीडियो डालने का बिल्कुल मन नहीं करता। तो भी बोलना तो नहीं चाहती मैं ये बात, लेकिन जब अंदर तक इतना दुख हुआ है ना, तो तकलीफ़ हुआ है, तो फिर बोलनी पड़ जाए बात। और फिर भी कुछ भी काम करने को जी नहीं करता, कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता, नहीं तो फिर अंदर तक टूट सी जावा है। तो भी इससे बढ़िया तो नहीं अपना आराम से अपने घर में रहो और अपना घर का काम देखो, बच्चों को देखो, और इसमें कोई वो नहीं लगता है ना फ़ायदा। तो यही सोच बन जाए। तो मैंने ना पहले जो वीडियो शुरू में वीडियो डाला करो थी, उस जितने मेरे व्यू अब आते हैं ना उससे ज़्यादा पहले आते थे और अच्छे से मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया था। और अब तो बिल्कुल ही मैं बहुत ज़्यादा टूट गई हूँ, क्योंकि अब तो जैसे कि चैनल कोई भी शुरुआत करा है ना चैनल की, जिस तरह शुरू में 10-20-50 व्यू आवे है ना, इसी तरह से मेरे चैनल पर व्यू आ रहे हैं। तो भाई इन तो कुछ भी नहीं हासिल होता, इतनी मेहनत कर रहे हैं कुछ भी नहीं मिलता, तो बस बहुत बुरा फील हुआ है। तो भाई ज़्यादा आप सबको क्या दिखावा है, एक हाउस वाइफ हुआ है, घर में लेडीज जो है कहीं बाहर नहीं जा सकती या कहीं पर घूम नहीं सकती, आप सब जानो उसकी मजबूरी क्या हुआ है एक औरत की। और जो उसका घर का डेली रूटीन है, बच्चे क्या कर रहे हैं, हस्बैंड क्या कर रहा है, क्या खा रहे क्या पी रहे, सिर्फ ये चीज़ ही दिखा सका है ना, इससे ज़्यादा तो क्या दिखावा है। और वही ड्रामा जो है वो हमारे पास होता नहीं है और ना ही अच्छा सा लगता, क्या ड्रामा करके दिखावा, क्या मनोरंजन करें आप सबका। तो भाई जो डेली रूटीन हो वह वही शेयर करूँ आप सबके साथ में। तो फिर ना अंदर तक बहुत बुरा फील हुआ है, बिल्कुल भी वीडियो डालने का मन नहीं करता। और बहुत सी ऐसी मेरी फ्रेंड है बोल रहा है भाई डीमोटिवेट मत, तो वीडियो डालती रहो, लेकिन ये देख कर बहुत बुरा लगा है कि पहले इतने व्यू आते थे और अब तो बिल्कुल ही नहीं आते। क्या है, अपने आप पर ना शर्म महसूस होने लगी है भाई, बस इन व्यू के लायक हूँ मैं इतना, मान ले इतने दिन हो गए मैंने काम करते चैनल पर, जितने पहले व्यू आते थे उससे भी बहुत बहुत कम व्यू आ रहे हैं। तो क्या फ़ायदा है एक वीडियो बनाने में, आपको 8-10-12 मिनट की वीडियो 10 मिनट की वीडियो बना कर देवा है ना, इसमें ना बहुत मेहनत लगा है बहुत ही ज़्यादा। ऐसा नहीं है कि भाई कैमरा उठाया और गेला डाल दी बना दी और गेर दी, नहीं, इसके पीछे बहुत मेहनत है। और जब कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता नहीं बहुत ही बुरा लगा है। तो सभी से मैं यही उम्मीद करूँगी, मेरी फुल वॉच करके देखना प्लीज़ और सपोर्ट करना। और भाई सब लेडीज ये चाहवा है भाई वो अपने हस्बैंड का कुछ हाथ बटावा, कुछ काम कराए घर के काम के साथ साथ, कुछ एक्स्ट्रा कुछ अपनी अर्निंग कर। तो भाई देखो मैंने सारे को पोंछा लगा दिया है सारे को, और मेरी ना अच्छे से घर की सफाई हो गई है, मेरी नहीं घर की सफाई हो गई है। और ये हमारा गड़ा पानी का, इसमें ठंडा पानी रहा है बहुत ही ज़्यादा, और फ्रिज का पानी मैं पींदी नहीं। और ये मैंने अपने लिए खाना तैयार कर लिया है, टाइम 12 बजने वाले हैं, मैंने अभी तक खाना नहीं खाया है, तो अभी मैं खाना खाऊंगी। और मैं नहा ली हूँ, काम निपट गया है सारा,
और मैं अब आराम से बैठ कर खाऊंगी अपना खाना। और भाई अब मैं सीरियस हो गई हूँ 32 बार के लिए, क्योंकि बीच में मैंने छोड़ दिया था, और छोड़ने के बाद मैंने वजन मेरा बढ़ गया है। क्योंकि ना जिसे मैंने वैसे वजन किया तो कोनी है, लेकिन फिर भी अपने आप पता चल जैसे भी ना अपने कपड़ों से भाई हाँ वजन बढ़ गया है, वैसे फील होने लग जाए है। तो मैं कंटिन्यू रखूंगी अब तो 32 बार। और मेरे पास सलाद कुछ है नहीं, सिर्फ एक कटोरी राजमा है, आज मैं हमने बनाया राजमा, एक रोटी, तो यही खाऊंगी। और सुबह मैंने ना कल लड्डू बनाए थे मामना, किसके, सत्तू के, सत्तू कह ले या भुने हुए चने कह ले, कुछ भी कह ले, सत्तू तो मैंने ये भी पता चल गया भाई सत्तू ही बोल रहा है सुना। और मेरी फ्रेंड है वो करा कर सत्तू का बहुत ज्यादा इस्तेमाल, तो जाए तो मैंने पता लग गया भाई जो रोस्टेड चने हो ना पीस ला है तो उन्हें सत्तू बोल रहा है। तो जो अरमा रेगुरा बोल रहा है हरियाणा में भुने हुए चने, तो उसके लड्डू बनाए थे। और मैं सोच रही थी कि ज्यादा बनाऊं, लेकिन पता क्या घी कम था तो मैंने फिर थोड़े से वे ग्राइंड करके फिर बनाए थे। और एक लड्डू खाया था नीचा गेली, तो दोपहर लग भूख नहीं लगती है। और अभी भी मैंने वैसे इतनी भूख नहीं है, कमी है, फिर भी मैं लंच तो कर ही लूँ, प्रॉपर टाइम पर अपना खान पान रखना चाहिए तो जिंदगी में स्वस्थ रहना है। तो भाई बहुत ही ज्यादा बीमारी हो रही है, कुछ भी कोई भी चीज है, चाहे सब्जी लगा लियो या कोई भी चीज लगा लियो, खाने के लायक कुछ नहीं है। सब्जियों में भी इतनी सारी दवाइयाँ पड़े हैं, वे भी बस नुमा खानी पड़े हैं, उन तो दुनिया बीमारी हो जाए। बस खाना तो ऐसा होना चाहिए जिसे पहले लोग करता नहीं, देसी खाना जिस तरह बगैर खार का दवाइया का वो खाना बढ़िया हुआ है। पहले वाला कोई भी सिस्टम रह नहीं रहा है, सब दवाइयों का खाना चल रहा है। तो ठीक है, कर लूँ मैं लंच। और पिछली बार तो जिस तरह मैंने ना सिर्फ 32 बार फॉलो किया था, तब भी मेरा 2 महीने में वजन हो गया था, 12 किलो वजन कम हो गया था। और अब की बार भी मैं सोच रही हूँ ये भी मैं थोड़ी ना हेल्दी लागू, यानी कि मोटी लागू, और मैं इस तरह थोड़ी और पतली हो जाऊँ। और मेरा जो फैट है ना, देखिए बेली फैट मेरा काफी है, और कम तो होया ही हो, मैं नू नहीं कहती भी कम नहीं होया, कम होया मेरा फैट जो है ना, टमी फैट भी कम होया, लेकिन इसके लिए एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। और पिछली बार तो मैंने सिर्फ वो की थी, छोटी मोटी एक्सरसाइज कर लिया करूँ थी, एक्सरसाइज पर मैंने कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब की बार मैं ना एक्सरसाइज करूँगी जरूर। 32 बार से वजन तो कम हो जाए, लेकिन जो हमारे जो फैट चढ़े रहे हैं जिस तरह बाजुओं पर यहाँ पर पेट पर, इनके लिए नहीं एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। तो एक्सरसाइज करना भी जरूरी है। यदि हम 32 बार, 70% में हम आराम मिल रहे हैं, नहीं तो 30% तो ना एक्सरसाइज करनी जरूरी है। और ठीक है, अब की बार मैं कोशिश करूंगी कि मैं एक्सरसाइज के लिए टाइम निकालूं और करूं और अच्छे से अपनी सेहत का ध्यान रखूं। तो ठीक है भाई, मैं कर लूं लंच। तो 2 बजने वाले हैं, और तो मैंने लंच किया था। लंच करने के बाद फिर मैंने करी वीडियो अपलोड, एडिटिंग करी, वीडियो अपलोड करी, उसमें काफ़ी टाइम लग जाए है, 1 से 1.5 घंटा आराम से लग जाए है। तो काफ़ी टाइम लगा है उसमें वीडियो एडिटिंग करने में, अपलोड करने में। और अब ये देखो ये पड़े हैं इतने सारे कपड़े, इनकी तय करके रखूंगी। कल कल के पड़े हैं कपड़े, कल धोए थे तो अभी तक इनकी तय नहीं करी है, तो अब इनको मैं तय करके रखूंगी। और फिर इतना टाइम धीरे धीरे हो ही जाएगा, 3 का 3 बजे बच्चे आ जाए स्कूल में, तय। तो फिर उसके बाद देखते हैं कैसे क्या होता है शाम तक। तो बने रहियो व्लॉग में, अच्छे से एंजॉय करियो, और कुछ ज्यादा बोलूँ तो थोड़ा इग्नोर करियो। तो अभी मैं इनकी रख दूंगी तय करके कपड़े की, यदि टाइम मिला तो एक आध एक जिस तरह कमीज है इसके डैडी की उनका प्रेस कर दूंगी, देखेंगे कितना टाइम मिलेगा कितना नहीं मिलेगा। तो ठीक है, तो ये देखिए भाई मैंने इतनी कमीजों के प्रेस कर दिए प्राच के डैडी के, 3 4 5, और अभी तक 3 बजने वाले हैं, 3 बजे नहीं अभी तक,
तो ये काम मेरा निपट गया है और ये बच्चे आ जाएंगे तो फिर ये बच्चों को रोटी खिलाना पिलाना ये सब चलेगा, उनको देना। तो भाई प्रेस हो गया है प्राची के डैडी के कपड़ों का, बस ये उनके कपड़ों को ही मैंने प्रेस करी है क्योंकि उसको बाहर जाना पड़ा है ना, और बच्चे की वर्दी हुई उनका करनी पड़ा है। मैं तो ऐसी हूँ, कभी कर ली हूँ कभी ना करूँ बस। और 3 बज चुके हैं, बस सारा दिन ऐसा निकल जाए है तो फिर भी संतुष्टि नहीं होती है हस्बैंड का। तो बस उनको तो यही लगा है कि सारा दिन घर आ रहा है। तो ठीक है भाई, आज का व्लॉग यही लगा है। आपने अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब कर दियो, वीडियो ने भी लाइक कर दियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।